तो आइए अब बात करते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए 2024 किस प्रकार का रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको अचानक से क्या मिलने वाला है, यानी कि अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति थी तो वो आपको अभी मिलने वाली है, यानी कि अप्रैल एंड तक उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। या अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको अचानक धन लाभ होते हैं, जैसे आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर भी आपको अच्छे खासे फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं। तो यानी कि अचानक से जो धन प्राप्ति के योग हैं वो आपके मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और महसूस करेंगे कन्या राशि वाले, कि आपके अंदर अचानक से भक्ति भाव कुछ ज़्यादा ही जागृत हो जाएगा, प्रभु के प्रति स्नेह आपके हृदय में उत्पन्न होगा और पूरे 2024 में आप उसी संदर्भ में यानी कि धार्मिक यात्राएं भी करते रहेंगे, प्रॉपर पूजा पाठ भी करते रहेंगे और आप दान पुण्य भी करते रहेंगे, यानी कि लोगों का भला भी करते रहेंगे। तो ये भावना आपके अंदर 2024 में उत्पन्न होने वाली है। जहाँ तक बात है आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो वैसे भी कन्या राशि वाले काफ़ी हद तक कॉम्पिटिटिव होते हैं, यानी कि जब उनसे कहा जाता है कि आपको ये कार्य करके दिखाना है तो उसको वो एकदम बेहतरीन तरीके से करके दिखाते हैं। यानी कि मान लीजिए आप उनको बोल दीजिए कि आपको एक हफ्ते में ये कार्य करना है, तो वो एक हफ्ते से पहले ही उस कार्य को संपन्न करके दिखाएंगे। अगर आप बोलते हैं उनको नहीं कोई टारगेट देते हैं तो उस केस में तो थोड़ा वो लेजी हो जाते हैं, यानी कि कई बार नहीं भी करते हैं। लेकिन इस साल में आप ये पाएंगे कि वो जो आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी वो और ज़्यादा बली हो गई है, यानी कि आप ये कोशिश करेंगे कि किसी के बोलने से पहले ही जो उनकी मुझसे उम्मीदें हैं उनसे भी ज़्यादा मैं कर पाऊँ, या अब चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की बात हो चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात हो, यानी कि आप हर जगह अपना 200% देने की कोशिश करेंगे, अपनी ताकत से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? उसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि 2024 के मिड के बाद से आपके मान सम्मान में विशेष रूप से बढ़ोतरी होने वाली है। लोग कहेंगे कि वाह क्या बंदा है ये, क्या अच्छे से काम करता है, क्या फैमिली को मैनेज करता है, क्या दोस्तों के साथ समय निकालता है। आप अपनी जितनी भी लाइफ है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पत्नी के साथ, विशेषकर पत्नी के साथ, या अगर आप व्यवसाय में हैं और वो आपका व्यवसाय पार्टनरशिप में है, तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में ट्रस्ट इशूज़ आ सकते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी अभी इस 2024 में, जैसे जनवरी फरवरी में, फिर बाद में साल के एंड में आके कि आपको कुछ ट्रस्ट इशूज़ आ जाए, तो वो सिर्फ टेम्परेरी होगा। वहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है, उस समय को निकलने देना है, कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड कर देंगे तो आपका पूरा अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छा रहने वाला है, या पार्टनर के साथ भी अच्छा रहने वाला है। अब अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं फ़ौरन जाके सेटल हो जाता हूँ, आप फ़ौरन जाना चाहते थे, आपका वीज़ा नहीं लग रहा था, कई वर्षों से आप प्रयासरत थे, तो 2024 में आपकी ये इच्छा भी पूर्ण होने वाली है। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, अगर आप वर्क के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। यानी कि जो भी जातक फौरन जाने के इच्छुक हैं उनकी ये इच्छा इस 2024 में पूर्ण होने वाली है। इसके साथ साथ आपकी संतान भी आपके लिए नेम एंड फेम का कारण बनने वाली है, यानी कि आपकी संतान की वजह से आपको 2024 में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यानी कि वो कुछ ऐसा कार्य करके दिखाएंगे अपने जीवन क्षेत्र में जिससे आपका सर गर्व से ऊँचा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको वाहन से संबंधित या भूमि से संबंधित क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो 2024 आपको मकान दिलवाने में भी सक्षम है, विशेषकर अगर वो आपका पैतृक संपत्ति है, यानी कि पैतृक संपत्ति आपको 2024 में प्राप्त होने वाली है। लेकिन एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि इस 2024 में चूंकि आप अपना 200% देंगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, तो ऐसे में जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या जो आपके नौकर चाकर हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, यानी कि आपके कुछ छुपे हुए शत्रु एक्टिव हो सकते हैं, तो आपको उन पर नज़र बनाए रखनी होगी, विशेषकर अपने सबॉर्डिनेट्स पर। लेकिन ये बात जरूर है कि वो कोशिश तो करेंगे, आपको पता भी चल जाएगा, लेकिन आपका बुरा कर नहीं पाएंगे, तो उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर आप नज़र भर उन पर ध्यान रख लेंगे तो वो भी आपके लिए बेहतर होने वाला। अब क्या उपाय आप कर सकते हैं कि जिससे और अच्छा हो जाए? तो कन्या राशि वालों के लिए सलाह ये दी जाती है कि आप हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। इससे ये होगा कि जो आपके शत्रु आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचने की कोशिश भी कर रहे होंगे वो नाकाम हो जाएंगे पूर्ण रूप से,
और जो कुछ भी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हासिल करना चाहते हैं या पर्सनल लाइफ में हासिल करना चाहते हैं उसमें भी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। शनि महाराज की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये था राशिफल 2024 का कन्या राशि के जातकों के लिए।